कैसा बना है? अच्छा बना है, एकदम बढ़िया। सब्जी कैसी बनी है? सब्जी ललन था। अद्विक की लैंग्वेज में। चलो खा लो आराम से। जोन करो तू। नहीं मैं नहीं करत, मतलब भूख नहीं है सद्दा। आप सभी को पता है घर पे फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें, मतलब लिविंग रूम की सारी चीज़ें ला के बेडरूम में रखी है। और अभी अभी मैंने अद्विक को नहला दिया था, इसी वजह से उसकी स्किन केयर कर रही हूँ। और आप सभी को पता है कि घर पे कोई काम चलता है तो कितना ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, और उसकी वजह से बच्चों की स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और वैसे भी बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो इसीलिए उनकी स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज़ करना, तो इसीलिए मैं सबसे पहले अद्विक की स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज। तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन है, इसमें शिया बटर और जोजोबा ऑयल है। और मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट में आपको केमिकल नहीं मिलेगा, इनके सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और केमिकल फ्री होते हैं, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं इनके प्रोडक्ट। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंडियन ब्रांड है, तो हमें इस टाइम में इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और इंडियन ब्रांड्स ही यूज़ करनी चाहिए, तो वोकल फॉर लोकल। और ये जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, हाइपोलोजेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसकी, और ये बॉडी की पीएच बैलेंस को भी बनाए रखता है। और 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इस मॉइस्चराइजिंग लोशन को लगाने के बाद ना आपके बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है, और ये दिन भर आपके बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। और अभी मैं लगाने वाली हूँ अद्विक को मामाअर्थ का मिल्की सॉफ्ट क्रीम फॉर बेबीज़। ये क्रीम भी बहुत अच्छा है और इसमें मिल्क प्रोटीन और मुरमुरु बटर है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसी वजह से कोई भी इनके प्रोडक्ट आप अगर बच्चों के लिए यूज़ करते हो ना, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चों के लिए सेफ़ होंगे या नहीं। ये प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। 199 रुपीज़ ईच इसकी प्राइस है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कांचन20, तो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे इस पे 20% ऑफ भी मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है। आप अगर मामाअर्थ की वेबसाइट से इसे परचेस करते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कांचन20, तो आपको इस पे 20% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। अगर इसे परचेस करना है तो इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से इसे आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर माही बना रही है आज 50K सेलिब्रेशन के लिए ओरियो केक। ओरियो केक बना रही है माही। एक्चुअली माही को बेकिंग का शौक इतना चढ़ गया है कि माही हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती है ना माही। इससे पहले भी 2 केक बनाए थे माही ने, एक फादर्स डे पे ना माही। हाँ, फादर्स डे पे बनाया था, अंकल के बर्थडे पे बनाया। हाँ एक, हाँ इंगड़े काका के बर्थडे पे बनाया था, तो 2 केक बनाए थे। और ये अभी तीसरा केक बनने वाला है। और बाहर के केक से ना, मतलब इसमें माही का प्यार है 50K सेलिब्रेशन के लिए, तो ये केक मतलब बहुत मायने रखेगा मेरे लिए। माही खुद के हाथों से बना रही है, तो चाहो तो हम लोग बाहर से बड़ा सा केक ला सकते थे, है ना माही। लेकिन माही ने बोला कि मैं मम्मा आपके लिए केक बनाती हूँ, आप इतनी मेहनत करती हो तो आपके लिए मैं मेहनत करती हूँ, इसलिए ये माही ने केक बनाने के लिए सोचा है मेरे लिए। और यहाँ पर डाल दिए उसने ओरियो बिस्किट्स के पैकेट, कितने छोटे छोटे लाए थे पापा ने, छोटे छोटे 4 मिले नहीं थे पापा। अच्छा बड़े नहीं मिले थे, इसी वजह से छोटे छोटे 4 लाए, नहीं तो 2 पैकेट में हो जाता है ये। और अभी यहाँ पर इंडो निकाल के रखा है। और आप लोगों के साथ पिछली बार शेयर किया था ना माही आपने? हाँ, पिछली बार तो इसी रेसिपी शेयर की थी, बहुत इजी है। हाँ। बट थोड़ा थोड़ा आपको दिखा भी दूंगी मैं। और यहाँ पर प्री हीट होने के लिए इसने रख दिया है, बट अभी जब ये बनेगा केक तब मतलब मजा ही कुछ और होगा इसको खाने का और इसको कट करने का। तो चलो कोई बात नहीं, अभी माही डेकोरेट भी कैसे करेगी वो भी आपको दिखा देगी। तो माही अभी आप बना लो, उसके बाद डायरेक्ट दिखाना। मैं थोड़ा सा बीच में बताओगी क्या कुछ? नहीं रहने दो अभी, इस बार तो रेसिपी शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को देखना हो तो मम्मा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगी। हाँ ठीक है। फादर्स डे पे आपने रेसिपी शेयर की थी ना, तो फादर्स डे का जो केक था वही वैसे ही सेम केक बना रही है अभी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको, तो आप देख लेना। और अभी आप बनाओ, मैं आपसे मिलती हूँ जब आप केक बनाओगे तब, मतलब डायरेक्ट केक देखने के लिए ही।
तो यहाँ पर बनके रेडी है हमारा ओरियो केक। और हाँ, माही ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। एक्चुअली अभी वो एक्सपर्ट भी हो गई है इसमें, मतलब केक बनाने में। और यहाँ पर वो जो हसीस का सिरप नहीं आता है, चॉकलेट सिरप, वो लगा रही है ऊपर से, और वो जो सिरप अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है केक। तो इसी वजह से वो हमेशा हसीस सिरप से ही वो उसका डेकोरेशन करती है, मतलब ऊपर से चॉकलेट सिरप लगा के। और इसके बाद ये यहाँ पर 50K का वो बना रही थी, मतलब 50K बना रही थी, क्योंकि छोटा सा केक था तो इसी वजह से उस पर बनेगा भी नहीं। तो मैंने थोड़ी सी हेल्प की उसे, मतलब उसे अच्छे से आ भी नहीं रहा था। तो होता है बच्चों के साथ ऐसा, मतलब उनको उसे बहुत छोटा बना दिया था, इसी वजह से मैंने सोचा दिखना तो भी चाहिए, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसने वो कर दिया था, तो इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगा बीच बीच में। तो वो कहीं पर भी उसने रख दिए थे, तो मैंने उसको बोला कि 50K दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ऐसे ही सिंपल सा रहने दो। तो यहाँ पर कट करने के लिए हो गया है रेडी हमारा 50K का केक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं केक कट करने के लिए, और आप लोगों को सभी को पता है कि माही ने केक बनाया है, और ये इनकी ड्यूटी थी सुबह से। हम लोग वेट कर रहे थे इनके लिए, सिर्फ इनके लिए वेट चल रहा था। अभी बज रहे हैं 9, रात के 9 बजे है, और रात के 9 बजे हम लोग केक कट कर रहे हैं। ये सुबह माही ने 9 बजे केक बनाया था, बेचारा केक भी वेट कर रहा है 50 केक। हाँ, 12 घंटे कहाँ हुआ है भाई, 9 बजे से 9 बजे तक। हाँ, तो ये देखिए 50K का केक है, आप लोगों ने देख ही लिया है वैसे तो। थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए मुझे, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और प्यार की वजह से ही ये जो दिन आया है मेरी लाइफ में, ये आप लोगों की वजह से है सिर्फ। तो आप ही इसके हकदार हो, ये केक के हकदार आप ही हो, आप सभी होने चाहिए थे ये केक कट करने के टाइम। बट हम लोग अभी केक कट करेंगे, तो आप लोग देख ही रहे हो, आप हमारे साथ ही हो, ऐसे समझ के हम लोग अभी केक कट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड अभी बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर पिलोस थे, तो वो पिलो हमने साइड में करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर घर में कोई भी जगह नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए। इसी वजह से कुछ भी ऐसे सिंपल सिंपल सेलिब्रेशन हो रहा है, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता था इससे भी। बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है, इसी वजह से घर में कुछ भी कहीं पर भी जगह नहीं है, मतलब बेडरूम के अलावा, और बेडरूम में भी जगह नहीं थी, बट हम लोगों ने जगह करवाई। थैंक यू सो मच, आपने जो इतना प्यार दिया, आज का जो आप दिन देख रहे हैं, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और जो जब से इन्होंने चैनल ओपन किया था, तब से आपने जो प्यार दिया है और जो अभी तक बरकरार है, ऐसे ही आगे बरकरार रखना। तो चलिए अभी केक कट करते हैं, और सभी मिलके केक कट करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ केक कट करिए। ये रहा आप सबके लिए केक, माई के हाथों से बना हुआ केक। टेस्ट करिए और जल्दी से बताइए कि कैसा लगा आपको। टेस्ट अच्छा ही होगा और आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे कि कैसा रहा केक और टेस्ट कैसा है इसका। तो चलिए आप खाइए। पहले आप इसके अंदर, पहले आप माही है और भाई है और हम सब अद्वी। लो भाई बेटा, चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें 100K तक जाना है, उससे आगे भी जाना है, बट 100K की अभी होप रखते हैं। और चलिए सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, लाइक जल्दी से कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय अद्विक, बाय करो। बाय अद्विक, गेम्स खाने में बिजी है। सर से की जमा करनी है।